हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं एक राग का नगमा बता रहा हूँ आपको, यानी लहरा। ये राग है अलहिया बिलावल, ये बहुत खूबसूरत सा राग है और इसका नगमा भी बहुत खूबसूरत सा है। और नगमा इसलिए बजाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मैं या आप कोई भी अगर 100-200 राग का अगर नगमा हम हारमोनियम पे बजा लेते हैं तो आपको 50% हारमोनियम तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि नगमा बजाते वक्त जो ट्यून सेंस होता है आपको, जो उसका धुन होता है और जो उसको जो स्वर का आपको नॉलेज होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए नगमा को बजाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्रेमी सीखते हैं म्यूजिक वो नगमा ज़रूर बजाएं, ठीक है। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, इस पर बेल आइकन दबाएं। मैं इस पर बहुत सारे नगमा डाला हूं और डालने वाला हूं ताकि आप उन्हें देखकर अच्छे से बजा सकें और अच्छी कलाकार बन सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं और इसका नोटेशन मैं आपको स्क्रीन पे देता हूं। ये 3 ताल 16 मात्रा में है, आप इसको देख के अच्छे से बजाएं। इसमें अगर कहीं कोमल स्वर लगता है तो उसको दर्शाने के लिए मैं उस स्वर के साथ 1 लिख देता हूँ, यानी 1, तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये कोमल स्वर है, ठीक है। और किसी भी नोट्स के साथ अगर बाद में 1 लगा हो तो समझ लीजिएगा आप वो कोमल स्वर है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसका स्वर बता दूं आपको, फिर वही स्वर आ जाएगा। और ये इस तरह से पूरी होती हैं 16 मात्रा, 3 ताल में है ये। अब मैं बहुत स्लो में आपको बता रहा हूं, देखिए, गा पा नीधा, ये एक साथ आएंगे, नीधा नी ये सिंगल होगा, सा हा सा रे सा नी धा पा धा नी धा पा, फिर वही आ जाएंगे गा, ठीक है। तो आप इसको देख के अच्छे से बजाएं और जब ये कंटिन्यू बजता है इसका धुन कैसा होता है जरा वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बजाएं और खूब मेहनत करें ताकि आप बहुत अच्छे कलाकार बन सकें। और अगर आप विधिवत सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।